Bonk. जरा सी शर्म नहीं बची ना तुम्हारे अंदर कि किसी आने जाने वाले के लिए सामान लाकर रखो तो तुम लोगों के पेटों में आग लगी रहती है। ना काजू बादाम, ना बिस्किट नमकीन, कुछ नहीं छोड़ते। पूरे दिन भैंस बकरियों की तरह चर 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 चर। हाँ, क्या रखूं उनके आगे? अच्छा लगेगा कि उनके ही सामने दुकान से सामान मंगवाऊं? क्या कहेंगे वो कि इनके घर में चाय नाश्ते का भी सामान नहीं है? थोड़ी बहुत तो इज्जत छोड़ दो मेरी। मम्मी इसी ने खाए होंगे, आपको तो पता है कि मैं बिस्किट नमकीन नहीं खाती। ओ मम्मी जी, काजू बादाम तो पक्का ऐने ही खाए होने। ऐसा है, तेरा ना मुंह तोड़ दूंगी मैं, ऐने खाए होने। करवून ड्रामे बाहर बैठे हैं वो। और एक तो कोई घर पे क्या आ जाए, तुम अपनी गुफा में घुस के बैठ जाते हो। दोनों रानी महाराजे हो रहे हो ना, पर्दे में छुपके रहने वाले। हाँ, क्या सोचेंगे वो, दो चार मिनट बैठ के उनके साथ बोल बतला नहीं सकते तुम? हम भी तो जाते हैं किसी के घर, बच्चे खुश हो जाते हैं सबके। और आने दो तुम्हारे बाप को, करती हूँ उनसे शिकायत, जितना तुम बिगड़ रहे हो ना, बताती हूँ उन्हें। मम्मी अब बड़े लोगों में हमारा क्या काम, वैसे भी उनके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। बेटा क्या चल रहा है आजकल? ओ पुत्र, कोई गवर्नमेंट जॉब देखी के नहीं? तो बेटा फ्यूचर का क्या सोचा है? ओ पुत्र, इस बारी दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाल देना, तेरी हाइट वाइट अच्छी है, निकाल ही देना तू। बेटा अभी तक तेरी BLLB कंप्लीट नहीं हुई, अब उन गधों को कौन बताए कि BLLB 5 साल की होती है, खुद को तो कुछ पता नहीं, चले हमसे सवाल करने। तो इसलिए पढ़ा रहे हैं तुम्हें, जवाब भी नहीं दिया जाता तुमसे किसी बात का। जाके पैर वैर छूने में भी तुम्हें मौत आ रही है, हैं? नमस्ते करने में भी तुम्हारे मुंह पे ताले लग रहे हैं। चल तू समोसे लेकर आ, और तू आ मेरे साथ। मम्मी जी जा रहे हो। पता नहीं इन बच्चों को किस बात की शर्म लगती है, कोई आ जाए तो निकलना नहीं होता इनका। नमस्ते अंकल। अरे बेटा ये हाई हिल्लू के जमाने में नमस्ते कौन करता है? हाय अंकल। सो हाउ आर यू बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। यही है ना इनकी बेटी, बहुत तारीफ करती है। जरा मैं भी तो देखूं, मैं भी थोड़े अपने इंग्लिश के तीर छोड़ देता हूँ, थोड़े टफ सवाल पूछता हूँ इससे। So, what is your name, बेटा? Name, बेटा? भाट। अंकल आपको तो पता ही है ना मेरा नाम दीप, दीप कौर। इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकती तू? पहले उनकी इंग्लिश तो सुन लो मम्मी। हाँ देख कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। So, बेटा what is your future's plan? इंग्लिश अंकल अभी तो लॉ चल रही है, बाकी अभी कुछ डिसाइड नहीं करा। इसलिए पढ़ा रहे हैं ना तुम्हें महंगे स्कूल और कॉलेजों में, महंगी महंगी फीसें भर रहे हैं तुम्हारी कि तुम ये दिन दिखाओ हमें। भेल्डन बेटा, डू गो इन योर लाइफ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन मेहनत करो बस। ठीक है भाभी जी, मैं चलता हूँ, लगता है गुड़िया की इंग्लिश थोड़ी भीक है, बाकी गुड़िया बहुत प्यारी है। मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं पूरा सिखा देता। चलो भाभी जी गुड बाय, टीसी। अब घूर क्यों रही हो, कुछ बोल ही दो। छोड़ा तूने बोलने लायक, एक इंग्लिश का शब्द तो तेरे मुंह से निकला नहीं। वो भी उन अंकल की इंग्लिश, इंग्लिश देखी थी आपने? हाँ देख रही थी, कैसे फर्राटे मार के इंग्लिश बोल रहे थे वो। तुमने तो बिल्कुल नाम डुबा दिया, बेकार है तुम्हारा पढ़ाना लिखाना मेरा। मम्मी अगर सामने वाला ऐसी इंग्लिश बोलेगा ना तो कैसे निकलेगी हमारी इंग्लिश? मैं चन्न सितारे की लड़े। आलो मम्मी जी फड़ो समोसे गरम गरम। ओ मम्मी जी अंकल जी कितने गए, बड़ी छेती चले गए अंकल? बेटा अंकल जल्दी नहीं गए, तू गेड़िया मार मार के आया। ओ चुप कर तू, गेड़िया लाके नहीं आया मैं, मेरी चप्पलां टूट गई सी और मम्मी जी ने नवे लेके देने नहीं। आलो मम्मी जी बचे हुए 50 रुपए। 50 रुपए? 2 रुपए कहाँ है? 12 का एक समोसा है ना, 48 के 4 हुए, तो 2 रुपए कहाँ है? ओ मम्मी जी अंकल दे कोल खुले नहीं सी। तो छोड़ के आ जाएगा पैसे, पेड़ पे उगते हैं पैसे, अभी पता नहीं है ना 2 रुपए की कीमत तुम्हें, वो ले लेता 2 रुपए कम, नहीं ना? जा लेके आ,
नहीं हो 2 रुपए खुले तो कुछ सामान ले आना। मैं नहीं जा रहा मम्मी जी, शर्म लगती मैनू। ये देखो, शर्म उन्हें आनी चाहिए जिसने पैसे रखे हैं समोसे वाले को, और आ ही नहीं रही है शर्म। जा जाके लेके आ पैसे, कुछ ट्रॉफी ऑफी ले आना। हुण किद्दा जावांगा यार, लोकी की सोचणगे मेरे बारे, 2 रुपए फिर आ गया। अच्छा ठीक है जा रहा, पहले तुसी मैनू नवी चप्पल ला के दो, पिछे 3 बारी टूट गई सी ताही देर हो गई मैनू। पहले चप्पल ही ला के दू तुझे? ओ नहीं मम्मी जी, हर बारी तुसी यही कहंदे हो, चलो कोई ना बाद च ला दियो। जा अंदर रखे है नए स्लीपर। ओ मम्मी जी तुसी तो दिल खुश करता, हुण नवे वाले पैरा विच और पुराने वाले कूड़े विच। अच्छा कूड़े में, हर चीज में बर्बादी करनी है। जा जाके बाथरूम में रख दे, वहां इस्तेमाल हो जाएंगी। कूड़े में डाल दू। दिखाना भैया जरा स्कूल के जूते दिखाना। हाँ अरे छोटू चाय लेके आ मैडम के लिए, बताइए कौन सा साइज दिखा दूं? इसके लिए दिखा दो। अच्छा बच्ची के तो 4 नंबर आएगा। ना 6 नंबर दिखाओ। पर मम्मी मेरे को तो 4 नंबर आता है। स्कूल में जब मैम पीटी ड्रेस दे रही थी तो मैम ने 4 नंबर लिखवाया था। चुप रहे तू, कुछ नहीं पता तुझे, अभी हाइट बढ़ रही है, हर 2 महीने में जूते दिलाती रहूंगी तुझे। अरे तो मैडम 5 नंबर दिखा देता हूँ भैया। अरे ठीक है मैडम, 6 नंबर ही आएगा, इसे 6 नंबर दिखाता हूँ। ये देखो मैडम। हाँ ठीक है कर दो पैक इसे, ले डाल के देख। बताओ भैया कितने हुए फिर? देखिए मैडम बिल्कुल इम्पोर्टेड जूता है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, वैसे तो ये 1500 का है, आपके लिए 1000 का लग जाएगा। मैंने सारे पीस 1500 के ही फेंके हैं, ये बस लास्ट बचा था, आपको 1000 में दे देता हूँ। भैया 1000 का तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, इसका तो टिकट भी नहीं लगता बस और ट्रेन में, ऐसी घूमती है हमारे साथ। अच्छा चलो मैडम आप 800 दे दो इसके। देखो भैया ऐसे मत करो, हर बार तुम्हारी दुकान पे आती हूँ, हील सैंडल जूते सब यही से जाते हैं, पड़ोसियों को भी बता रखी है मैं इसी दुकान से लेके जाती हूँ, और आप ऐसे कर रहे हो। पर मम्मी हम तो दूसरी दुकान से लेते हैं ना, जिन अंकल के बाल मैगी जैसे हैं। तुझे नहीं पता, यही से तो लेके जाती हूँ भैया। अच्छा तो ठीक है मैडम आप बताओ लास्ट क्या दोगे? देखो भैया 200 से ज्यादा तो देने की नहीं हूँ, नहीं लग रहा है, 150 का लग रहा है, अब बताओ आप आगे। देखिए मैडम 200 तो बहुत कम हो जाएगा, इतनी की तो हमारी खरीद भी नहीं है। चलो एक काम करो, ना आपकी ना मेरी, 500 में ले जाओ इसे। ना ना भैया बजट से बाहर है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, चल मीत दूसरी दुकान पे देखते हैं। अरे मैडम बैठो तो। भैया बात ही ऐसी कह रहे हो आप। अच्छा चलो बोनी का टाइम है, ले जाओ आप। ठीक है फिर कर दो पैक। अरे यार मम्मी पेस्ट खत्म हो गया, दूसरा दे दो। खाते हो या दांत साफ करते हो? 4 दिन तुम्हारा टूथपेस्ट नहीं चलता, ला अभी बहुत है इसमें। कुछ नहीं है मम्मी, इसमें खाली है पूरा। दिखा कैसे खत्म हो गया मैं देखूं। ला ब्रश आगे कर। थोड़ा और चाहिए मम्मी, दांत ही साफ करने हैं अब। ठीक है फेंक दो अभी से, कुछ नहीं है इसमें, फेंक दो इसे, अभी पूरा घर 2 दिन और दांत साफ करेगा इससे, बस बर्बादी करवा लो। मम्मी साबुन भी खत्म है। अभी अभी नहा के आई हूँ मैं, देखा था मैंने, अभी 4 बंदे और नहाएंगे उसमें, साबुन खत्म हो गया। और कभी गोदरेज नंबर 1 के अलावा भी कोई साबुन ले आया करो। एक तरह का ही साबुन इस्तेमाल करना चाहिए, डॉक्टर भी बोलते हैं कि तरह तरह के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए साबुन, और गोदरेज नंबर 1 बेस्ट है बेस्ट। अरे यार मम्मी शैम्पू भी खत्म है, कुछ है भी घर में? मुझे मीटिंग के लिए जाना है, तेल लगा हुआ है सर, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? हाँ शैम्पू तो हो रखा है खत्म, गई तो थी मैं लेने। तो लेके क्यों नहीं आए? अब अड़ंग बड़ंग इस्तेमाल करके बाल सफेद थोड़ी करने हैं, बोल रखी है मैंने मंगवा देगा वो। तो अभी क्या करूं मम्मी यार, लेट हो रहा है मुझे।
बेटा अभी तो तेल लायक है इसमें, देख मैंने भी तो धोए हैं, जा थोड़ा पानी डाल के घुमा ले, बहुत निकलेगा। अरे यार मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा ही क्यों हो गई। मैं नहीं तो कौन थे इसको राहुल देना छोड़ आ रहा, कैसे क्या मुंह लग रही है तो क्या ये ना सस नहीं जाऊ देना। बाली में निकला हूँ घर से मैं पैसा उठा के, दादर से सीधा दुबई को जाते, मुंबई में रह के मैं हो चुका। क्या है यार सुबह ही सुबह आपका फोन उठा के रील स्टार्ट हो जाती है और ये अलग अलग साउंड बजती है, ऊपर से इतना सर में दर्द हो जाता है ना, बाहर नहीं जा सकती हो तुम। गलती कर दी मैंने इंस्टा इंस्टॉल करके आपके फोन में। सुबह के 5 बज रहे हैं, सोने का टाइम है, उठ चल दौड़ लगा, क्या पड़े रहते हो आलसियों की तरह। तो फिर ये रील्स चलाने का टाइम है, ला फिर ये लगा लूं, ये दे दे। ये तो चल ही नहीं रहा, कुछ भी उठा लाते हो कूड़ा का बड़ा। कूड़ा का बड़ा नहीं है वो, 25,000 के है वो। क्या बोला तूने? मम्मी 2500 नींद में थी ना इसलिए। देखो ऐसे 2500-2500 रुपए बर्बाद है इन फालतू की चीजों में। शुक्र है बच गई, 2500 में इतना सुना रही है तो 25,000 में तो मेरी जान ही ले लेती। किसी काम का नहीं है ये तो, चल भी नहीं रहा। कार में लगाते अपने आप ही चल जाता है क्या, कनेक्ट करना पड़ता है मम्मी। लाओ दो फोन, कनेक्ट करके देती हूँ वरना सोने नहीं दोगी चैन से। ना मुझे बता, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है ब्लूटूथ ऑन करो और उस पर टैप करो, देखो डिवाइस का नाम आ रहा होगा दीप एयरपोर्ट्स। ये जो सबसे ऊपर है यही ना चिमकादड़ सा बना रहा है। अरे यार दे दो ना मम्मी, लाओ कर देती हूँ। ले। ओहो इसकी ब्राइटनेस तो कम कर लिया करो मम्मी। ये लो हो गया कनेक्ट। कुछ कह रहे हो क्या? तेरे पापा कुछ कह रहे हैं क्या? हे भगवान। आए हाय कैसे ठोक के रखते हो कानों में 24 घंटे, मेरे तो कान दर्द हो गए। ये ले ऐसे ही ठीक हूँ मैं 2500 रुपए के। ये सुबह सुबह नेहा की मम्मी का कॉल क्यों आ रहा है? हाँ दीदी। नहीं वहां से नहीं लेती अब तो मैं दूध, और क्या पानी मिला के देता है तो, अब नाक में दम कर रखा है दूध वालों ने तो। ये बताओ जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो उन्हें दूध प्योर देने में क्या प्रॉब्लम है? बस पूरे गांव का यही हाल है। जिंदगी बर्बाद कर दी। बेबी आप ना बहुत गंदे हो, मैंने ना कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था आपसे अपने बर्थडे पर। गेट क्यों बंद कर रखा है? वो मम्मी पढ़ रही हूँ तो दरवाजा खोल के नहीं पढ़ सकती, मुझे काम नहीं करने अपने। बेबी वो मम्मी ना डिनर के लिए बुला रही है, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ ओके। हाँ आप इतने बड़े हो गए अभी भी मम्मा के पास सोते हो? मम्माज बॉय। नहीं नहीं मैं तो सेपरेट सोती हूँ, अपना अलग रूम है मेरा, यू नो प्रिवेसी। और वैसे भी मेरी फैमिली ऐसे डिस्टर्ब नहीं करती किसी को, सब खुद में बिजी रहते। 2 घंटे हो गए तुझे बाथरूम में घुसे हुए, अगर पेट खराब है तो बता, हींग और गरम पानी देती हूँ तुझे। अच्छा बेबी मम्मा ना गुड नाइट किसी के लिए बोल रहे हैं, चलो मैं ना बाद में बात करती हूँ ओके। हाँ जी बेबी अभी ना बिल्कुल फ्री हूँ, आई नो थोड़ा बिजी रहती हूँ लेकिन अब बिल्कुल फ्री और पूरी रात आपसे बात कर सकती हूँ। आप भी तो इम्पोर्टेंट हो ना मेरे लिए। दीदी मम्मी बोल रही है दीदी के पास सो जा आज। अरे यार मैं परेशान हो गई, हमारे घर में अपने बंदे से भी बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। ओए श्वेति मैच ला, लास्ट विकेट देखने दी ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। ला मैनू फड़ा रिमोट, तेनू कितनी बारी किया 20 सेकंड का ब्रेक हुंदा ना हटाया कर। बिग बॉस बिग बॉस पता नहीं की देखती रहती है, हट नहीं रहा यार ये रिमोट, नहीं चल रहा।
ले तू ही देख। अरे यार लग जा शेती। हाँ हाँ तोड़ दे इसे भी, लगा दे इसमें भी आग। एक टीवी के 10 रिमोट तो तुम तोड़ चुके हो, यही कौन सा आखिरी होने वाला है। तोड़ दो, अब नहीं लाने वाली दूसरे रिमोट, चाहे टीवी क्यों ना बेचनी पड़ जाए। और ये टी शर्ट क्यों पहनी है तूने, ये तो पुरानी थी ना। ओ मम्मी जी पुरानी तो है, रामदायक भी बहुत है। वो कहते हैं ना कपड़े जिन्ने पुराने होंगे उन्ने ज्यादा आरामदायक होंगे, ता करके पाई है मैं। अच्छा पहनता है तू उसे? हर तीसरे दिन धूल जम जाती है। चमक गया। पर मम्मी थोड़ी जी बदबू जी आ रही सी, पर मैं परफ्यूम मार के सेट करता मामला। हुण खुशबू ही खुशबू आ रही है मेरे बिचो। कोई प्रोग्राम क्या कर लो, बस थकान हो जाती है। चलो सुख शांति से निपट गया सब, शुक्र है ऊपर वाले का, किसी चीज में कमी नहीं रही, सब भरपूर था। मम्मी वैसे आपका और पापा का कपल डांस धुआं उठा दिया आप लोगों ने, सबकी नजरें आपके ऊपर ही थी। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी। और इनकी बहनों की शक्लें देखी थी तूने, पूरे फंक्शन में मुंह सड़ा हुआ ही रहा, जलन के मारे डांस स्टेज तक नहीं आई। कितना भी कर लो इनका, इनका पेट नहीं भरने वाला कभी। घमंड में तो ऐसे घूम रही थी जैसे इनके बाप ने कितनी जायदाद दे रखी हो मुझे। पूरे हक से मांगती हैं तीनों की तीनों, लेकिन फिर भी हमारी गिनती तो होती ही नहीं है। मम्मी ऐसे गिफ्ट्स कौन देता है एनिवर्सरी में? बस हो गए शुरू, घर में कदम रखा नहीं तेरे गिफ्ट खोलने शुरू। रख दे इसे ऐसे ही पैक करके, दे देंगे किसी को। कम से कम लोगों को ऐसा गिफ्ट तो देना चाहिए कि इस्तेमाल भी कर ले। बस फॉर्मेलिटी सी पूरी कर देते हैं गिफ्ट देने की, भाई हमसे तो ऐसा नहीं होगा। दिया होगा तेरे बाप की साइड से किसी ने, उनकी साइड से तो यही उम्मीद कर सकते हैं। हाँ मम्मी अब हर किसी से अच्छे गिफ्ट थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे मम्मी इस पे तो मामा का नाम लिखा हुआ है, परमजीत। अच्छा परम ने दिया है क्या ये? बेटा फिर तो उसने सोच समझ के ही दिया होगा, ऐसे वैसे तो वो देता नहीं। और तुम भी तो जाते रहते हो स्कूल कॉलेज, जरूरत पड़ेगी लंच की तो देख ले तुम्हारे हेल्थ के बारे में कितना सोचता है तुम्हारा मामा। मम्मी गिफ्ट्स खोलकर देखते हैं ना सारे। कुछ नहीं चल जाके आराम कर, कल देखना। थोड़ी देर में सो जाएंगे ना। कुछ नहीं खुलेगा, बहुत थक गई हूं मैं, फिर सब फैला के डाल दोगे। नहीं मम्मी पक्का नहीं फैलाऊंगी, प्लीज देखने दो ना क्या गिफ्ट्स आए हैं। समझ नहीं आ रही एक बार में तुझे, प्लीज देख लेने दो ना क्या क्या गिफ्ट्स आए हैं। ये वाला देखते हैं, सीना आंटी के घर से है। इसका तो मुझे भी देखना है क्या दिया है, फेंकती तो बड़ी बड़ी है। ओ वाओ मुझे पता था मम्मी, सिन्हा आंटी के घर से ना कुछ स्पेशल और बढ़िया आना होता है, इसीलिए मैं एक्साइटेड थी। मम्मी ये सभी को इतने महंगे गिफ्ट्स देते हैं क्या, ये तो लूट ही जाते होंगे। भाई दो दो कमाई आ रही है घर में, हम नहीं देते किसी को, हम भी तो देते हैं तभी तो हमारे घर में आता है। हाँ रहने दो मम्मी, पता है मुझे आपका महंगा गिफ्ट, लाफिंग बुद्धा। हाँ तो पता क्या बुराई है, शुभ होता है बहुत, दक्षिण की तरफ मुंह करके रख दो, देखो उसके घर में पैसा ही पैसा। तो सबसे अच्छा गिफ्ट तो मैं ही देती हूँ ना। अच्छा तो हमारे घर का पैसा कहाँ जा रहा है मम्मी? जिस घर में तुम्हारी जैसी औलाद हो बरकत हो सकती है। मम्मी एक और गिफ्ट खोलते हैं ना, ये वाला सबसे बड़ा है, प्लीज इसे खोलते हैं। कोई बात नहीं कल देख लेंगे, हमारे घर में ही तो रहने वाले हैं, कौन सा कहीं जा रहे हैं। मैं सो जाती हूँ। दीप तेरी आंटी आई हुई है, जरा मैं उनके पास बैठी हूँ, मैंने गैस पे दूध चढ़ाया हुआ है, ध्यान से देख लेना ठीक है? ठीक है मम्मी। ये लो चाय पियो। भाभी कप कहाँ से लिए, बड़े सोने लग रहे हैं। सुंदर लग रहे हैं ना? अरे वो बस दिवाली की सफाई की थी, काफी कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो गया था, बस सब बेचकर कप ले लिए। और आप भी तो कह रहे थे ना टीवी लेने के लिए, ले लिया आपने? अरे भाभी अभी तो यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं खरीदे कैसे, बच्चे बोल रहे हैं ऑनलाइन मंगा लो, कुछ परसेंट का ऑफ भी मिल जाएगा।
और ये कह रहे हैं कि बड़ी और महंगी चीजें हमेशा जान पहचान की दुकान से खरीदनी चाहिए। अब जान पहचान की दुकान में थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है, बच्चों का क्या है, अगर हम ऑनलाइन मंगा भी लें और कुछ खराबी निकल गई, एक बार मुंह चलेगा उनका तो मम्मी सॉरी पापा सॉरी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो ये फोन भी मंगाया था दीप ने ऑनलाइन, अब तक तो कोई खराबी नहीं हुई, एक साल होने जा रहा है, आगे रब जाने। चाय लो, ठंडी हो जाएगी भाभी। और बताओ भाभी, कोई प्लॉट व्लॉट देखा आपने? ना भाभी ना, अब तो बिल्कुल बजट नहीं है प्लॉट व्लॉट लेने का, ये 2 कमरों का घर ही लेना भारी पड़ गया, पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया, ऊपर से इसकी किस्तें भरते भरते परेशान, महंगाई इतनी हो गई है, बड़ा संभाल संभाल के खर्चे करने पड़ते हैं भाभी। हमारे भी यही हाल है भाभी, अब देख लो एसी तो लगवा रखा है लेकिन बिजली का बिल इतना महंगा आता है चलाते ही नहीं है, गाड़ी भी है घर में उसे भी नहीं चलाते, पेट्रोल इतना महंगा है, अब सिलेंडर भी है घर में मजबूरी में भरवाना पड़ता है, गैस चाहे कितनी भी महंगी हो जाए भूखे थोड़ी मरेंगे। ओ मम्मी जी, मेरा रिचार्ज मुक गया, तुसी मेरा रिचार्ज करा दो, मैनू क्लासा लेनी हुंदी आ। कोई नहीं पुत्र, ये ले, मैं हॉटस्पॉट ऑन कर देती हूँ, चला ले, वेस्ट तो जाता है मेरा, तू क्लास ले ले अपनी, जा। कर दिया। ऊपर से ये बड़ा सिरदर्द है भाभी कि हर किसी को रिचार्ज चाहिए फोन में, और उसके बिना तो काम ही नहीं चलता, 3-4 हजार के तो रिचार्ज ही जाते हैं, और कराओ कैसे ना, उसके बिना तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं, खाली खाली लगता है सब। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कम से कम फोन से टाइम पास तो हो जाता है। वो जो आप कह रहे थे ना कटहल का अचार इतना अच्छा बना है, यूट्यूब पे तो देखी थी इसकी रेसिपी। चलो भाभी अब चलती हूँ, बच्चों का भी स्कूल से आने का टाइम हो रहा है। दीप, ओ शिट, दूध देखना भूल गई, मम्मी नहीं छोड़ेगी आज। आज तेरी हड्डी पसली एक कर देनी है मैंने, तुमसे एक काम बोलो वो भी तुमसे ठीक से नहीं होता, आज तुझे बताती हूँ अच्छे से। सबसे पहले गेट बंद करती हूँ। हे भगवान, खोल गेट, खोल, आज देखती हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलती, यहीं पर रहना है मुझे भी खड़े। बचा लो आज, मम्मी जिंदा नहीं छोड़ेगी।